हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपने काम की वजह से न केवल लोगों की सेवा की, दिल जीतने का काम भी किया। केवल एक राजनीतिक दल तक वो जुड़े नहीं रहे, उन दलों से परों परे भी बाकी दल के नेताओं से भी दिल से जुड़े रहे। राजनीति उनके लिए एक सेवा का जरिया था, और मैं कह सकता हूँ कि छोटे से राज्य से भी उन्होंने देश की राजनीति में एक अपना नाम बनाया। ये किसी भी हिमाचलवासी के लिए गर्व की बात है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो कार्य उन्होंने शुरू किए हैं लोगों की सेवा के लिए, वो भी आगे बढ़ाएंगे। हमने न केवल एक वरिष्ठ राजनेता को खोया है, एक परिवार के सदस्य को भी खोया है। क्योंकि छोटे से राज्य से देश में अपनी पहचान बनाना कोई छोटी बात नहीं होती। उनकी मेहनत थी, प्रयास थे, लोगों की सेवा भी की, क्षेत्र और प्रदेश का विकास भी किया। आज उनके ना रहने से जहां एक और उनके परिवार को क्षति हुई है, वही हिमाचल प्रदेश ने भी एक जन नेता को खोया है। तो कांगड़ाए हैं सर, ऐसे में राजनीति की बात भी ना हो तो हिमाचल प्रदेश में सर 4 सीटें जो हैं वे कांग्रेस के खेमे में चली गई हैं, कितना देखते हैं आखिर हार के कारणों को क्या मानते हैं? जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इन नतीजों पर, जो इसके पीछे कारण रहे, जिनके कारण प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उस पर चिंतन भी करेगी, मंथन भी करेगी, और उसके बाद जो भी कड़े निर्णय को कदम उठाने की ज़रूरत होगी वो भी उठाएंगे और प्रयास करेंगे ताकि एक बार फिर 2022 में अच्छे नतीजे आए। कहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ फेरबदल होने के आशंका तो नहीं है? मुझे लगता है मीडिया के क्यास हैं, जो चुनावों से पहले भी लगते हैं, बाद भी लगते हैं। ना ऐसी कोई बातचीत है,